दोस्तों आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है और ये आम का पौधा है और इसकी पत्तियां देखिए कितनी लंबी लंबी हैं, बहुत लंबी पत्तियां हैं। इस पत्तियां जितनी लंबी हैं इसी तरह से लंबा इसका फल होता है, इसलिए इस पौधे का जो नाम है वो बनाना मैंगो है, यानी केले के समान इसका फल होता है। तो आज इसी पौधे को हमने एक लोकल नर्सरी से लिया हुआ है और हम कोशिश करते हैं इसको आज रिपोर्ट करके, रिपोर्ट कैसे करें क्या करें। ये 2 डालियों का पौधा है, आप पत्तियां पहचानिए। नॉर्मल पौधे जो आम के होते हैं उसकी पत्तियां थोड़ी अलग होती हैं और ये बनाना मैंगो की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, देखिए बड़ी बड़ी हैं और इसका फल भी बहुत लंबा सा आता है और येलो कलर का होता है। ये कलर्ड वैरायटी नहीं लेकिन महकदार है, आइए इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। जी हाँ, आज एक फल वाल पौधे का रिपोर्टिंग करेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत है और इसके पत्ते बहुत लंबे लंबे हैं। इस पौधे का नाम है बनाना मैंगो, जिस तरह नाम है उस तरह इसका काम है, यानी इसी तरह लंबा, काफ़ी लंबा एक आम होता है और ये थाईलैंड की वैरायटी है और मुझे लग रहा है कि भविष्य में इस प्रकार के आमों का ज़्यादा चलन हो जाएगा। ये येलो कलर का ही होगा, यानी पीले रंग का, थोड़ा सा लाल लाल कभी कभी बीच में, जब ज़्यादा जहाँ पर सन की रेज पड़ती है वहाँ ये थोड़ा रेडिश हो जाता है, हालांकि टोटल ये पीला है। और इसका टेस्ट बहुत मतलब लुभावना है, बहुत ही महकदार भी है ये, और साथ साथ इसको सीडलेस आम के रूप में भी जानते हैं लोग, हालांकि इसमें सीड होता है और सीड पतला होता है, बस इसका यह है कि इतना पतला होता है कि एक छोटी सी लाइन की तरह से नॉर्मल जो हमारे आम हैं, हम लोग के यहाँ दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है, इन सब की गुठलियों की आधी गुठली आप मान सकते हैं, उतना होता है। सीडलेस नहीं कहते हैं क्योंकि ऐसा कोई ज़्यादातर ऐसे कोई फल नहीं होते जिनका सीड ना हो, बहुत कम ऐसे फल होते हैं। तो क्योंकि गुठली बहुत छोटी है इसलिए इसको छोटी गुठली या बहुत पतली गुठली वाला इसको मान सकते हैं आप। इस पौधे को लगाने के लिए हमने जो मिट्टी ली है ये एक साधारण मिट्टी है जो हमने पेड़ के नीचे खिलाया हूँ। देखिए आम के पौधे को लगाने का थोड़ा सा अलग तरीका है, खासकर जब आप गमले में लगा रहे हैं, हालांकि जब आप खेतों में लगाएंगे तो उसका तरीका अलग है, वो हमारे किसान भाई जानते हैं अच्छी तरह से, वो सदियों से आम के पौधे लगा रहे हैं। टेरेस गार्डनिंग वाले ने नया नया अभी काम शुरू किया है तो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन इसलिए है क्योंकि एरिया जो मिलता है बहुत छोटा सा मिलता है, इसकी के अंदर इस पौधे को इसका रूट डेवलपमेंट बहुत स्लो है, यानी इसका रूट फॉर्मेशन बहुत कम होता है। तो हमने एक मिट्टी, सादी मिट्टी ली है, यानी किसी प्रकार की इसमें खाद अभी मैंने मिलाई नहीं है। इसमें हम थोड़ी सी मोरंग मिला देंगे, मोरंग का तात्पर्य यह है जिससे कि थोड़ा सा वो जो मिट्टी में पानी जमता है उस समस्या का निराकरण हो जाए। तो गमले में क्योंकि पानी ना जमे इसलिए हमने मोरंग मिलाई है और इस तरह से इसको थोड़ा पोरस बनाने की कोशिश करी है। तो आप जब भी लगाएं पौधे को गमले में तो कोशिश करें कि उसमें मोरंग का प्रयोग जरूर करें। मोरंग से कुछ नहीं होगा, खाली थोड़ा सा उसका जो पोरस यानी उसका भुरभुरापन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और हम थोड़ा सा इसमें पत्तियों की खाद लगाएंगे, देखिए इसमें इसको भी नाइट्रोजन थोड़ा चाहिए। देखिए जिसकी पत्तियां हरी हैं सबको नाइट्रोजन चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई पौधा आपका एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन ले, ऐसा कोई पौधा नहीं है, सारे पौधे जमीन से ही नाइट्रोजन लेते हैं जो जिसकी पत्तियाँ हरी होंगी, लेकिन इसको नाइट्रोजन कम हो सकती है क्योंकि इसकी स्लो ग्रोथ है, बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो हमने इसे पत्तियों की खाद लगाई, मैंने गोबर की सड़ी खाद नहीं लगाई है, ये हमारी 1 साल पुरानी घर की बनाई हुई है तो मैं इसमें मिला दूंगा और साथ में मैं इसमें 1 चम्मच मिलाऊंगा ये ऑर्गेनिक, हमारी जो है ऑर्गेनिक फंगीसाइड है तो 1 चम्मच ये मिला दूंगा, बस इतना चम्मच मिला दूंगा। और साथ में हम इसमें थोड़ा सा डीएपी डालेंगे, वो डीएपी कौन सी आप ध्यान रखिएगा, ये ऑर्गेनिक डीएपी है, आप कभी भी वो डीएपी मत डालिए जो हमारी केमिकल वाली होती, ये हम आधा चम्मच डालेंगे क्योंकि इसके लिए क्या है, रूट डेवलपमेंट के लिए डाई अमोनियम फास्फोरेट की आवश्यकता होती है। किसान लोग अपने जब गांव में या खेतों में लगाते हैं उसमें सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, फिलहाल हमारे पास ऑर्गेनिक वो सिंगल सुपर फास्फेट सबसे अच्छा होता है, लेकिन हमने डीएपी का आधा चम्मच डाला है और साथ में हम डालेंगे आधा चम्मच ही पोटास,
ये है हमारे पास ऑर्गेनिक पोटास। देखिए अगर आप क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर पहली बार दे रहे हैं, बस आधा चम्मच पोटास डालेंगे। पोटास का काम फल ही नहीं बनाना है, बल्कि जो आपका खेत मिट्टी में है उसको पहुंचाने में अपना रोल अदा करते हैं, इसलिए पोटास की मात्रा भी डालनी पड़ती है। और आप चाहें तो बिना कुछ डाले भी लगा सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा हम सीविट डालेंगे, आधा चम्मच सीविट। तो न्यूट्रिशन नहीं डालेंगे तो आपका पौधा चलेगा नहीं प्रॉपरली, या आप धीरे धीरे चलेगा, ग्रोथ नहीं होगी। दोस्तों ये है सींग की खाद, यानी सींग की बनी हुई, इसको हॉर्न डस्ट बोलते हैं, और इसका करीब एक मुट्ठी हम इसमें डाल देंगे। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप बोन मील भी ला सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है, और बस इन सबको हम मिला लेंगे। आप चाहें तो कुछ भी मत डालें और सादी मिट्टी में लगा देंगे, तब भी आपका पौधा चलेगा, लेकिन थोड़ा उसका ग्रोथ जो है स्लो होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। बस इसको हम इसमें नाप के भर देंगे, छोटा सा गमले में लगाया है, जब ये रूट बाउंड हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब तो हम इसको दूसरे गमले में लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको यहाँ है, अब इस पौधे को जरा निकाल लेंगे आराम से। आप चाहे तो इसको कोशिश करिए कि रूट बॉल ना टूटे, देखिए इसका रूट बॉल ना टूटे तो बहुत अच्छा है। इसको ध्यान से निकाल लें और जो जड़ें सड़ गई हैं उनको हटा दें, क्योंकि इसमें बहुत सारी जड़ें सड़ गई हैं, तो इनको हटा दें और इसको आप लगा दें। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें फंगीसाइड डाल देंगे, क्योंकि इसकी जड़ें थोड़ी सी सड़ी हुई लग रही है, थोड़ा सा फंगीसाइड नीचे डाल देंगे, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं पौधे की सड़ी हुई लग रही हैं, और इसको ऐसे रख देंगे। और इसको कोशिश करेंगे कि ये फंगस ना लगे इसको, इसके लिए इस पे फंगीसाइड का छिड़काव। तो ये हमारा ऑर्गेनिक है, इसका नाम है ट्राइकोडर्मा। हालांकि आम के पौधे पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत अच्छा काम करता है, हमारे पास वो इस समय है नहीं तो हमने वो नहीं डाला है, और बस हम इसको ऐसे ही बंद कर देंगे। किसी प्रकार का केमिकल का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि किसान भाई को सब पता है, क्योंकि हमारे किसान भाई सदियों से बागवानी करते आए हैं, और वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं, करा जाता है जब आप लगाते हैं, उससे जड़ों का जो विकास है अच्छा हो जाता है, क्योंकि लेकिन गमले में लगाने के लिए अगर आप नहीं डालेंगे, और इसको खाद का मात्रा तब दें जब थोड़े दिन में ये गमला में आपका हमारा पौधा जो है वो सेट हो जाए। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया है। अब इसको हम 5-7 दिन जो है इसको हम रखेंगे इसको हम रखेंगे 5-7 दिन शेड में, और उसके बाद धीरे धीरे इसको हम धूप में निकालेंगे। दोस्तों आम के पौधे का लगाने का सबसे अच्छा समय जो है ये इसी समय का है, यानी बरसात का। बरसात के मौसम में आम के पौधे को लगाना सबसे बेहतर समय माना जाता है। हालांकि फरवरी में भी लगा सकते हैं, फरवरी में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, लेकिन अगर आप इस समय लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका पौधा बहुत अच्छी तरह चलेगा। और आपको इस पौधे की प्रॉपर्टी ये है कि ये छोटे में फल देने लगता है, और हमें आशा है कि अगर ये अगले साल नहीं उसके अगले साल हम जरूर इसमें से फल लेने की कोशिश करेंगे।
और इसको बचाने के लिए अगर जब एक्सट्रीम जाड़ा हो तो आप इसको थोड़ी सी ऐसी जगह रखें जहाँ पर पानी कम दें। अगर आप पानी ज़्यादा दे देंगे तो फिर आपका पौधा नहीं चलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों ये था आम का पौधा, और हमें आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये पौधा आम का जो बनाना मैंगो है ये किसानों के लिए भी बहुत उत्तम है और टेरेस गार्डनिंग के लिए भी, क्योंकि ये टॉर वैरायटी है और ये थाईलैंड की एक वैरायटी है और इसके पत्ते लंबे होते हैं और फल भी इसका बहुत लंबा होता है, येलो कलर का। बीज बहुत पतला होता है और फलन बहुत अच्छा है इसमें, इसकी जो पैदावार है वो बहुत अच्छी है, इसलिए अगर किसान भाई भी इसको लगाएंगे तो उनको अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। क्योंकि तो जो लखनऊ या और बहुत सारी पूसा की कई वैरायटियां हैं, आम की बोनी प्रजाति आई हैं वो भी बहुत अच्छी वैरायटियां हैं, और उन उनमें से अगर आप इसको भी टेस्ट करके लगाएं थोड़े से 4-5 पौधे, फिर आप देख सकते हैं कि कौन सा पौधा आपको कितना ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। और क्योंकि तो ये नई वैरायटी है और इस समय थाईलैंड का ये वैरायटी जो बनाना मैंगो है बहुत ट्रेंडिंग है, और हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। यह है बनाना मैंगो, जी हाँ बनाना मैंगो पौधा का जो आप देख रहे हैं, पत्तियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं और बड़ी पत्तियों की वजह से इसको पहचानना थोड़ा आसान है कि बनाना मैंगो इस प्रकार से लंबी लंबी पत्तियां होती हैं इसकी, इसका फल भी इसी प्रकार लंबा लंबा होता है, तो आप इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। और ग्रीन पत्तियां होती हैं, बहुत नालीदार नहीं हैं और पतली भी नहीं है और लंबी हैं, ये बनाना मैंगो की पहचान है। और हमारे जो टेरेस मित्र हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी अपने यहाँ एक पौधा कम से कम इस बरसात में ज़रूर लगाएं, और गर्मियों में जब नेक्स्ट गर्मी आए तो आप एक दो फल प्राप्त करके एंजॉय करें। धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए, सब्सक्राइब करने और लाइक करने के लिए।